हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब क्या चैनल। बात करते हैं एक नंबर्स की। तीसरी तिमाही में पीएनबी के मुनाफे में एक बहुत शानदार उछाल आया है। ब्याज से कमाई भी 12% बढ़ी है, साथ ही बैंक का एसेट क्वालिटी भी सुधरा है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल। गोयल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के लिए पिछले कुछ साल काफ़ी ख़राब रहे थे, ऑब्वियसली वो एक जो बड़ा इशू हुआ था उसके बाद से, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि अब वो इश्यूज़ फाइनली आर बिहाइंड यू, और अब क्या यहाँ से जो असेट क्वालिटी है, जिस तरीके की आपने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, वो आगे भी और इम्प्रूव होगी? हाँ, धन्यवाद अनुज जी। ये देखिए, अभी तो पीएनबी के अच्छे दिन आ गए हैं। अगर आप 2 साल में देखें, लगभग हर एक पैरामीटर में, चाहे ये प्रॉफिटेबिलिटी में हो, चाहे ग्रोथ और बिजनेस में हो, सब में जो है बेहतर हो रहा है। जहां तक आपका क्वेश्चन असेट क्वालिटी में है, तो असेट क्वालिटी में भी अगर आप देखें तो ये अभी ग्रॉस एनपीए जो है 6.24% आ गया है, जबकि जो है नेट एनपीए जो 1% से भी कमाया 0.96%। हमारी गाइडेंस थी 1% हम मार्च 24 तक लाएंगे, बट ये दिसंबर में हो गया, और रिकवरी जो है वो डबल हो रही है आपका जो है स्लिपेज से। तो ये नंबर बराबर सस्टेनेबल है, और पिछले 7 क्वार्टर अगर आप देखें तो बराबर जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रॉस एनपीए में कमी हो रही है, नेट एनपीए में कमी।